नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते इस वक्त की सुर्खियों की ओर। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी पर फेंकी गई स्याही, दिखाए गए काले झंडे, हिरासत में लिए गए जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अजीब तर्क, कहा बाढ़ के चलते बढ़ी प्याज की कीमत। कश्मीर में धारा 370 के अंत के बाद अब बीजेपी गिनाएगी 370 हटाने के फायदे, देश भर में अमित शाह के नेतृत्व में चलेगा अभियान। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया। इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, यह अभियान राष्ट्रीय महामंत्री अंकित और भारत कांतियान की ओर से आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम के द्वारा चालू की गई योजनाओं व आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की गई। योजनाओं के लिए मैंने श्रमिक लाभ विभाग से श्रमिक लाभ 270 लोगों को दिलाया। उसके बाद मजदूर संघ को 270 लोग वो थे जिनको मजदूर संघ की तरफ से श्रमिक लाभ दिलाया। एक बंदे को साइकिल, सिलाई मशीन, टूल किट और सैनिटरी पैड्स, अम्ब्रेला और कम्बल सबको प्रोवाइड किया गया। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूक किया गया, उन्हें उन योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रचार प्रसार अभियान के युवा प्रभाग ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर एक कार्यक्रम रखा था, जिसका उद्देश्य था युवाओं तक प्रधानमंत्री जी के बारे में, 370 के बारे में हर एक जानकारी को पहुँचाना। हमारे इस मिशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने प्रदेश में, यहाँ पे पूरे 29 प्रदेश से लोग आए थे, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, उन लोगों का कार्य ये होगा कि वो अपने प्रदेशों में जाकर लोगों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो 370 हटाया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो एकता अभियान, राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत कैसे पूरा युवा इस कार्य को करेगा। खबर जयपुर से है, जहां रामगढ़ बांध जल संरक्षण को लेकर एक रैली निकाली गई। बता दें, किरोड़ी लाल के समर्थन में जल आंदोलन रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य बांध में पानी लाना है। समर्थकों का कहना है कि रामगढ़ बांध में पानी लाया जाए। रैली में आंदोलनकारियों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर बिहार के पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उप डाकघर का उद्घाटन किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलना चाहिए। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली बन गया है। खबर गुजरात के जम्बूसर से है, जहां बहुचरासी ग्रुप के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली गई। यह यात्रा मुंबई नरीमन पॉइंट से कच्छ माता के मठ तक निकाली गई। आपको बता दें, लगातार 14 साल तक ये यात्रा निकाली जा रही है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां खेत में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें, मृतक 19 सितंबर से लापता था। मृतक राजू जयपुर में बेलदारी का काम करता था। खेत में राजू का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना मर्डर की ही लग रही है। पोस्टमार्टम के बाद और चीजें क्लियर होंगी, कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या था और कितने दिन पुरानी डेड बॉडी है। प्रथम दृष्टिया देखने से डेड बॉडी 3 से 4 दिन मिनिमम पुरानी लग रही है, और जैसा मैंने बताया, घर वालों को कुछ लोगों के ऊपर शक है, कुछ पुलिस की भी जानकारी में ये चीज आई है किस कारण से विवाद था, और शीघ्र घटना का अनावरण किया गया। सर, एक नौझील में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, आजम खान के आवास पर लगे नोटिस को अचानक हटा दिया गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। नोटिस हटाए जाने के बाद एएसपी अरुण कुमार ने आजम खान को चेतावनी दी है। आपको बता दें, आजम खान को प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने एक बार फिर से आजम खान को नोटिस जारी किया था, लेकिन आजम खान ने नोटिस का पालन ना कर बल्कि नोटिस को हटा दिया। देखिए, पुलिस किसी मामले में जब कोई नोटिस तामील करना होता है तो उसका तामीला का तरीका है किस्म अव्वल, किस्म दोयम और तीसरी किस्म चस्पा है। आप अवगत ही हैं कि रामपुर सांसद श्री आजम खान के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं। विवेचना के दौरान
जिसे FIR में नामजद किया गया हो या जिसका नाम प्रकाश में आया हो, अर्थात जिस पर प्रथम दृष्टया चार्ज की बात हो रही, उसका पक्ष जानना भी विवेचक का काम है। खबर यूपी के रामपुर से ही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और आरोपी युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बीते दिनों युवक किसी पक्ष के साथ झगड़ा हो गया था। पूरा मामला बाइक पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ था, जिसके बाद युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने उस वक्त उचित कार्रवाई की होती तो युवक की जान जाने से बच सकती थी। अपने दिल में रखे रहे, कल मेरा भाई को ले गए मुरादाबाद लोहिया फार्म में, चल पेमेंट ले आए। क्या नाम है आपके भाई? सुनील भाई। फिर क्या हुआ? फिर वो रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आपस में भी झगड़ा हुआ। ये मेरे परिवार का था, दोनों शांत करके चला आया, वो मेरे भाई को जंगल में खींच ले गए और फिर बाद में रोड मार दिए सर में। भैया, खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी घटना होने से टल गई। दरअसल मकबरा के एक व्यापारी 10 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे कुछ लुटेरे पैसे लूटने की फिराक में थे। इसी बीच सीओ सिटी अरविंद आकस्मिक चेकिंग के लिए पहुंच गए। पुलिस की सक्रियता के चलते बड़ी लूट होने से बच गई और लुटेरे मौके से फरार हो गए। और वो लोग रेकी भी कर रहे थे, तो एक आदमी यहाँ पे आया, इसके पास करीब 10 लाख रुपए थे और वो जमा करने के लिए जा रहा था। तब तक एक बंदा उसको आके बोलता है कि आपको भैया बुला रहे हैं। इस तरह की बात हुई, जैसे वो पीछे वो घबराया हुआ ऊपर गया, ऊपर चढ़ा, उसके बाद तब तुरंत ही पीछे मेरी गाड़ी आई। जैसे ही हमारे गनर ड्राइवर आगे आए और तब तक उसने ये बातें पूरी बताई उसको, हम लोग तुरंत उसका पीछा किए, लेकिन वो जा चुका था। बहुत ही सुखद रहा कि हम लोग इस कप्तान साहब के आदेश से जो बैंक चेकिंग के कर रहे हैं, इसके तहत आज 10 लाख कप्पेबाजी होने से बचा लिए। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां राष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान भी किया था, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी है। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2014 मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार लाते हैं किसान, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे 50%, जो आज किसानों का 2007 से लेकर आज तक 1000 का मतलब कम मिल रहा है लागत। तो वहाँ से लेकर कर्जा माफी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ये मोदी जी को लागू करनी चाहिए। मतलब जो सरकार मौके पे होती है उसी की ही देनदारी होती है। जो हमारा किसानों का 1000-2007 से स्वामीनाथन रिपोर्ट जब से लागू नहीं की, मतलब बना के रखी है, 1000 रुपये कम, उसी के माध्यम से एक किसान एक एकड़ वाला जो है उसको 20,000 रुपये प्रति एकड़ घाटा पड़ता है। 40 हो गया तो लेनदारी हमारी आज 6 लाख हो गई है एक एकड़ वाले की, तो उसका 1 लाख कर्जा है, तो हमारी 6 लाख दारी में 1 लाख कर्जा माफ़ करते हैं पूरा। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां नहर में छात्रा का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। बता दे, पुल में करीब 100 मीटर की दूरी पर ग्रामीणों को स्कूली ड्रेस पहने एक छात्रा तैरती हुई मिली। पुलिस को छात्रा के शव पर जले हुए कुछ निशान भी मिले हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। बता दे, इलाके में 6 दिन पहले एक युवक लापता हुआ था। ग्रामीणों को लगा कि ये युवक की लाश है, लेकिन छात्रा के शव के बाद गांव में खौफ पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां महिला शिक्षा मित्र की ओर से BSA कार्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। बता दे, पूरा मामला सोशल मीडिया पर जारी सुसाइड नोट को लेकर हुआ है। नोट में शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। वही मामले पर BSA अमित सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दे, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल किया गया था। ये लेटर कार्यकर्ता शिक्षा मित्र आराधना की ओर से वायरल हुआ था, जिसमें उनकी मौत होने का जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता और प्रधान अध्यापक आनंद गुप्ता को बताया गया था। सामने आया है कि वेतन न मिलने के अवसाद में सुसाइड नोट लिखा गया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि अगर जल्द ही शोषण करने वाले अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक BSA कार्यालय पर हंगामा जारी रहेगा। महिला है, शिक्षा मित्र है हमारी, उसने कई प्रकार के जो है आरोप हमारे BSA पे लगाए हैं, नगर शिक्षा अधिकारी पे लगाए हैं, और कुछ अप्लीकेशन उन्होंने हाथ में ली हुई थी। मैंने मांगा भी तो उन्होंने कहा कि मैडम हम अभी इकट्ठा करके शाम तक देंगे या फिर हम आपको बाद में देंगे, लेकिन संज्ञान में आया हुआ ABSA को उन्हें बुलाया हुआ है। तत्काल क्या पूरा मामला है,
जैसे भी अगर कुछ आता है मैं से कोई भी समस्या हो चाहे छोटी चाहे बड़ी जो भी समस्या हो मैं तत्काल उसे त्वरित गति से जो है उसे निस्तारित करूंगी। कोई भी चीज़ नहीं, अगर इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है तो ये अत्यंत ही दुखदायी है और इस पर भी मैं एक्शन लूंगी और मतलब कार्रवाई मैं करूंगी, जरूर से जरूर करूंगी मैं। खबर असम के नलबाड़ी से है जहां रास महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें 12 नवंबर से 24 नवंबर को बड़े पैमाने पर नलबाड़ी में रास महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर स्थानीय विधायक अशोक शर्मा ने इसकी घोषणा की। असम के रहने वाले आफजुर रहमान एक आश्चर्यजनक कार का निर्माण कर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें यह कार सौर ऊर्जा और मोबाइल से चलेगी। यह कार पूरी तरह से मोबाइल से ऑपरेट की जा सकेगी। एक बार चार्ज करने के बाद 6 घंटे तक चल सकती है। इस कार को तैयार करने में आफजुर को 1.5 साल का समय लगा है। वहीं इस कार की इजाद के बाद लोगों के लिए यह कार कोतूहल का विषय बन गया है। खबर असम से है जहां डेमू तहसील में बड़ा हादसा हो गया। यहां गलत दिशा से आ रहे यात्री वाहन से एक बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक बस पलट गई, वहीं बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जन से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। वहीं मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। खबर राजस्थान के डीडवाना से है जहां चलती रेलगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई। मालगाड़ी का हुक टूटने से कई वेगर और गार्ड का डिब्बा पीछे छूट गए, जबकि आधी ट्रेन डीडवाना पहुंच गई। गनीमत रही कि इस घटना में बड़ा हादसा टल गया। हैरत की बात यह रही कि मालगाड़ी के 2 हिस्सों में बटने का ट्रेन के चालक और गार्ड को पता ही नहीं चला। मालगाड़ी जब डीडवाना पहुंची तब घटना का पता चला, जबकि बाकी वेगर और गार्ड कैबिन डीडवाना खुनखुना के बीच पटरी पर अटके रह गए। इसके तुरंत बाद रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और यात्री ट्रेनों को डीडवाना व खुनखुना स्टेशन पर रोक दिया गया। बाद में खुनखुना स्टेशन से जोधपुर रेवाड़ी ट्रेन के इंजन से मालगाड़ी के बाकी बचे हिस्से को डीडवाना लाया गया। इससे दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, जबकि इसके साथ ही तमाम ट्रेनें भी बाधित रही। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी डीडवाना पहुंचे, टूटे वेगर को अलग कर मालगाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना किया। खबर एमपी के देवास से है जहां गांगी नदी का पुल जर्जर होने के चलते लोगों में भय का माहौल है। बता दें गांगी नदी का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पुल से सभी वाहनों की आवाजाही होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बड़े नेता भी इस पुल से आवाजाही करते हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते लोगों में किसी दुर्घटना का होने का अंदेशा बना रहता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।